अपनी मांगों को लेकर एम्स की नर्सों की हड़ताल देर रात खत्म हुई। आपको बता दें, ये बयान जारी कर बताया गया है। इससे पहले दोपहर को दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स की नर्सों की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने नर्सों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए इस मामले में 18 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी थी। न्यायमूर्ति की पीठ ने नर्सों की यूनियन को निर्देश देते हुए हड़ताल पर रोक लगाने को कहा था। बता दें कि यूनियन की शिकायतों पर एम्स ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए बयान दिया था कि हम उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये माना जा रहा है कि एम्स ने सोमवार शाम 5 बजे के आसपास यूनियन को बैठक के लिए प्रस्ताव भेजा था। हालांकि एम्स में ये भी साफ कर दिया गया है कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहेंगे उन्हें अनुपस्थित ही माना जाएगा। आपको पूरा मामला बता देते हैं। एम्स की नर्सों ने सैलरी बढ़ाने की मांग की है, इसलिए एम्स नर्सिंग यूनियन के कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके थे। इसी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर नर्स वापस काम पर नहीं आती हैं तो उनको अनुपस्थित ही माना जाएगा। बता दें कि इस हड़ताल में करीब 5,000 कर्मचारी शामिल थे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।